बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यानी आठवीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आज दोपहर 2 बजे वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव होंगे उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें दोपहर 2 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 5 वर्ष बाद बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बन रही है। पिछले महागठबंधन सरकार में 3 दल शामिल थे जबकि इस बार 7 दलों की यह सरकार होगी। आज मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के घटक दलों के साथ जिसमें राजद कांग्रेस सीपीआई एमएल सीपीएम सीपीआई और हम के साथ राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। दावा पेश करने के तकरीबन 1.5 घंटे पहले उन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दूसरी बार जब नीतीश कुमार राजभवन गए तो उनके समर्थकों में आए दलों के नेता भी शामिल थे। राज्यपाल को पेश दावे के मुताबिक नीतीश कुमार को 164 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल ने देर शाम मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हुए ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध भी किया। बिहार में मंगलवार की सुबह सियासी कसरतों व कवायदतों से शुरू हुई। जदयू राजद की अलग अलग बैठकें सुबह 10 से 11 बजे के बीच ही आरम्भ हो गई थी। राजद विधायक दल के तमाम सदस्य राबड़ी आवास पर जुटे तो जदयू के सांसद विधायक विधान पार्षद मुख्यमंत्री आवास पर। राबड़ी देवी आवास पर पहले राजद की बैठक हुई फिर सहयोगी दलों कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले के साथ बैठक हुई। इस बैठक में औपचारिक रूप से नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया गया। इधर एक अन्य मार्ग पर आयोजित बैठक में नीतीश कुमार ने अपने सांसदों विधायकों को बताया कि भाजपा ने जदयू के साथ 2013 से ही धोखा शुरू कर दिया था। भाजपा ने उन्हें लगातार अपमानित किया है। उसके बाद उन्हें पार्टी व सांसदों विधायकों की राय जानी। सबकी राय से एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। नीतीश कुमार दिन में 3:36 पर अकेले राजभवन गए, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा और सीधे राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंच गए। राबड़ी आवास पर आधा घंटा रहने के बाद वहां से महागठबंधन के नेताओं के साथ एक अन्य मार्ग पैदल ही आए जहां जदयू राजद कांग्रेस हम सीपीआई माले सीपीएम की बैठक में उन्होंने महागठबंधन का नेता चुना गया और आज दोपहर 2 बजे शपथ समारोह में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव 2री बार बनेंगे। तो महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में बन चुकी है और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बना दी है और आज 8वीं बार वो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हम शपथ समारोह से लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।